बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जी। मुरली सब साजन का सोहिणी। सुर नर मुनि जन मघन थ्या। सुनी सासुरली मन शमिरु मस्तान थ्या। बुधि साबुरली सामू मन धरली। त्यों से कशरधा रखी। पैसन जा प्यासी पूजा कन पाखंड सा। बेखन मंजु भुली पया मूढ़ा मवासी। न सुजाणन सच थिया वासोड़न वासी। माला पाए मकर कन दुनिया जाता सी। क्यों पई फासी जिया रेतन के जम जी। मोहन जी मुरली सब साजन का सुहणी। जितने भी साज हैं उन सब साजों से सुंदर मनमोहक भगवान की मुरली है। श्री कृष्ण भगवान की मुरली है। सुर नर मुनि जन मगन थ्या सुनी सास सुरली। उस मुरली को सुन करके देवता गण ऋषि मुनि भी मोहित हो गए। मनुष्य मृु मस्तान थ्या। पशु और मनुष्य उस मुरली को सुनकर अपनी सुध बुध फूल बैठे। बुधि सा मुरली सामू मन धरली। टेऊ सिक श्रद्धा रखी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि उस मुरली को मैंने अपने मन में बसा लिया। तो यहाँ पर मुरली का अर्थ केवल बंसी नहीं लेकिन गुरु का शब्द वो भी बंसी है। उसको अपने हृदय में मैंने बसा लिया। पैसन जा प्यासी पूजा कन पाखंड था। इस संसार में आडंबर को करने वाले मनुष्य बहुत हैं। पाखंड और आडंबर का बोलबाला है। उनको केवल माया की इच्छा है कि माया प्राप्त हो जाए। बेखन मंज भुली प्या मूढ़ा मवासी। मूर्ख लोग भेख देख करके मोहित हो जाते हैं लेकिन वास्तव में भेख अंतर का होता है। बाहर का भेख बाहर का वेश उसे मन भ्रमित हो जाता है। कीन सुजानन सच थ्या वासोड़न वासी। आडंबर में भर करके वे सत्य को भूल जाते हैं। असत्य से प्रीत लगाते हैं। माला पाए मकर कन दुनिया जा वासी दासी। माला धारण करके वे मकर
अर्थात नाटक करते हैं और दुनिया के दास हैं, माया के दास हैं। टेऊं पई फांसी जियरे तनखे जम जी, उनको जीते जी यमराज की फांसी पड़ जाती है, अर्थात जन्म जन्मांतर में वो भटकते रहते हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश, पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी
ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।